मैंने अपनी पीपल के पत्ते डाल लिए थे लेकिन अभी भी दर्द है। अरे बहन जी, अगर तुम खुद ही मेडिकल साइंस की वैष्णो देवी बन रही हो तो मेरे पास क्यों आई हो? अब तक तो वेटिकन के पोप ने भी आपको चमत्कार घोषित कर देना चाहिए था। ये दुनिया बकचोदों से भरी पड़ी, हर कोई बोलना चाहता है पर सुनना कोई नहीं चाहता, तो विश्व शांति की स्थापना के लिए आ रहा है सुनचोद। सुनने आपकी भड़ास अनलिमिटेड। MBBS कोई डिग्री नहीं है? MBBS तो 14 साल का सश्रम वनवास है, वनवास। क्योंकि मंत्रा मौसी के लौंडे ने MBBS लेके अपनी बजाई थी तो मेरी माँ कैकई बनने से कैसे पीछे हटती? अपने घर भी शहीद पैदा, तो सगे बेटे को इंजीनियरिंग के लिए भेजा और सौतेले को मेडिकल कॉलेज, ताकि जब तक वो डॉक्टर बनेगा उसके टट्टे तो सूख जाएंगे, फिर वंश तो सगा वाला इंजीनियर ही आगे बढ़ाएगा ना। अरे यहाँ तो 16-16 सब्जेक्ट के सिर्फ नाम याद रखते रखते ऐसे गजनी टाइप फीलिंग होती है यार। चिट बनाने की तो भूल ही जाओ, और अगर गलती से चिट बना भी ली तो एक एक आंसर चित्रगुप्त के बही खाते जितना लंबा होता है। अब घुसाओ कहाँ घुसाओगे? स्टडी के दौरान अगर 2 वीकेंड क्लबिंग के लिए चले जाओ तो इतनी गिल्टी फील होती है जितनी सोनिया को राहुल पैदा करके नहीं हुई होगी। उड़ता पंजाब देखिए, डॉक्टर्स की हालत ना आलिया भट्ट के कैरेक्टर जैसी है। साली आधी से ज्यादा जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी के पोस्टर देखते देखते ही बीत जाती है, फिर साला ये पता नहीं चलता कि आप लल्लू बने या फुद्दू या दोनों। शक्ल देखो साला, कब 20 से 30 का हो गया पता ही नहीं चला। 2 साल PMT की तैयारी, 3.5 साल MBBS की चढ़ाई, 2 साल वापस PG एंट्रेंस की तैयारी, और 3 साल की MD के बाद आप जब थोड़ा सांस लेते हो ना और इधर उधर देखते हो तो पता चलता है कि आपके यारों दोस्तों को कमाते हुए तो 3-4 साल हो गए बे। अगर डॉक्टर लड़का है तो शादी के बारे में सोचेगा 29 का होने के बाद, और अगर स्पेशलाइजेशन के बाद सोचे तो 32 का होने पे। तो लड़की नहीं आंटी मिलती है, चलो वो भी ठीक है। अब अगर खुद ही अंकल हो गए हैं तो आंटी ही मिलेगी ना। लेकिन असली पॉइंट अब है, क्योंकि जिसको शादी करनी है उसको डिग्री से करनी है। गायनी वाली को पीडियाट्रिशियन चाहिए, एनिस्थीशिया को सर्जन चाहिए, इंसान तो किसी को चाहिए ही नहीं। एनाटॉमी में कैडेवर की बदबू से भले चील कौवे मर जाए, लेकिन आपको ऐसे इंटरेस्ट दिखाना होता है जैसे पिज्जा बनाने की कुकरी क्लास चल रही है। आहा, फार्मा में मेडिसिन के नाम रटते रटते दिमाग की हार्ड ड्राइव खत्म हो जाती है, लेकिन हर साल साला हर साल न्यू जनरेशन ऑफ मेडिसिन ऐसे जुड़ते हैं सिलेबस में जैसे ऑस्ट्रेलिया बराबर पॉपुलेशन इंडिया में। शरीर और बीमारियों के बारे में पढ़ते पढ़ते इंसान खुद एक महामारी बन जाता है, और ये सब उस मुन्ना भाई MBBS ने शुरू किया था। लोगों को लगता है MBBS क्या होता है, लड़की पटाओ, आइटम नंबर करवाओ, जादू की जप्पी दो, बस हो गया MBBS। लेकिन साला यहाँ चैन से टट्टी करना भी नसीब नहीं है, और ये सारी पढ़ाई होती है फ्रस्ट्रेटेड प्रोफेसर और कमीने सीनियर्स की छत्र छाया में। इनकी चाटते चाटते भले तुम्हारी जीभ में छाले पड़ जाए लेकिन ये खुश नहीं होते। फिर भले ही तुम्हारा एसहोल ट्यूबवेल बन जाए, दे डोंट केयर। ये कोई बिग बॉस वाली डॉली बिंद्रा से कम थोड़ी ना है, इनको कभी भी गुस्सा आ सकता है। पढ़ाई क्यों नहीं की, याद क्यों नहीं है? और अगर पढ़ा है और याद है और जवाब दे दिया तो अपने आप को हीरो समझते हो? तुम यहां आए क्यों? अरे तुम सांस क्यों ले रहे हो? मैं तो कहता हूं तुम जिंदा क्यों हो? आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया में 2 चीजें इनफाइनाइट है, एक यूनिवर्स और दूसरा चुती आपा। भाई यूनिवर्स का तो पता नहीं, लेकिन चुतियापे के बारे में आइंस्टाइन को किसी डॉक्टर के क्लिनिक में ही पता चला होगा। डॉक्टर साहब, ये दवाई लेना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिगरेट पीना जरूरी है, दारू पीना जरूरी है, हफ्ते भर बिना बात के व्रत रखना जरूरी है, वो नाली के बगल वाली पानीपुरी खाना जरूरी है, दवाई लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं कि तुम भी जरूरी नहीं हो, तुम मर भी गए तो दुनिया थोड़ी ना रुक जाएगी। डॉक्टर साहब, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? ये दारू, सिगरेट, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, ये सब खरीदने से पहले तो कभी साइड इफेक्ट की घनघोर चिंता नहीं सताती? ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज्यादा काम कर लूं तो थकावट होती है। मैंने भी कह दिया, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। ये पेशेंट्स लोग कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं बे? मुझे गठिया बाई हो गई है, मेरी आंखों में अंजन हरी है, अंजन हरी। एक बार तो एक धोतला आदमी आके बोला, मेरे बेटे के चूत के दांत निकालने हैं। कहां के? अरे भाई लोगों, इतना तो रहम करो कि इंसानों वाली लैंग्वेज में अपनी बीमारी के बारे में बताओ,
फिर हम भी इंसानों वाली हैंडराइटिंग में लिखना शुरू कर देंगे। कुछ आंटीज भी होती हैं जिनकी अपनी मेडिकल साइंस होती है। डॉक्टर साहब, हींग लगा ली थी तो अब गैस नहीं है, पेट में दर्द है तो हल्दी वाला दूध पी लिया था, मैंने अपनी गांड में पीपल के पत्ते डाल लिए थे लेकिन अभी भी दर्द है। अरे बहन जी, अगर तुम खुद ही मेडिकल साइंस की वैष्णो देवी बन रही हो तो मेरे पास क्यों आई हो? अब तक तो वेटिकन के पोप ने भी आपको चमत्कार घोषित कर देना चाहिए था। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा टेक्नोलॉजी के पकौड़े खाकर पेशेंट डॉक्टर के मुंह पे हगने आएगा। आजकल हर दूसरा पेशेंट क्रॉनिक गुगलाइटिस से ग्रसित है, बिना टेस्ट रिपोर्ट और एक्सरे के अपना डायग्नोसिस खुद ही बनाकर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है। पूछने आए हो या बताने? FB पे स्टेटस ही डाल देते, लोग दवाइयां भी वहीं लिख देते। वे कल तो हद ही हो गई, एक पेशेंट के सामने मैंने छींक दिया, कहा सॉरी थोड़ी सर्दी है, बहन चोद वो पेशेंट उठ के भाग गया, कहता है पहले अपना इलाज तो कर ले बाद में मेरा करना। अबे हम क्या एक्समैन है? इतना स्टीरियोटाइप है हम कि क्या बताओ, अगर आंखों पे चश्मा ना लगाओ ना तो लोग डॉक्टर नहीं मानते। भाई ये पेशेंट्स के घर वाले हमें ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे अभी अभी सावधान इंडिया में हमारी फोटो देखकर आए हो, क्योंकि उनके हिसाब से जो हॉस्पिटल आया था वो तो बीमार था ही नहीं, वो तो बाहुबली था है, उसे तो दवाइयां देकर हमने गुटखा खाने वाला मुकेश बना दिया। ये झाड़ फूक बाबा मंत्र शंत्र वाले ये सब इनके लिए सल्लू बाबा जैसे होते हैं, भाई जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, और हम डॉक्टर्स मनोज वाजपेयी, चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो फिल्म तो फ्लॉप ही होनी है। भाई मैं तो सोचता हूं कि एप्पल की खेती करना शुरू कर दूं और दुनिया भर में मुफ्त में एप्पल बांटू, क्योंकि डॉक्टर की कीमत तो है नहीं, एप्पल की जरूर है। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें कैंसर होगा तो तुम एप्पल खाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे? बताओ, अरे भाई बोलो, एप्पल खाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर साहब वो 3 दिन से थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है, वो कान में प्रॉब्लम है। कान में